नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और क्वेश्चन नंबर 160 तक हैंड रिटन के स्पेशल नोट्स से आप लोगों ने कर लिया था। अब यहाँ पर देखेंगे 159 तक कल मैंने आपको करवाया था, 160 से देखेंगे, पूरी व्याख्या से समझेंगे, क्योंकि अब लास्ट टाइम के ये बेस्ट क्वेश्चन आपकी रिवीजन करवाएंगे। और साथ ही आप देखोगे कि आपने अब तक कितना पढ़ा है, 7 जुलाई के लिए आप कितने तैयार हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कह रहा है कि बुद्धि का प्रकार कौन सा नहीं है, है ना, क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है कि बुद्धि का प्रकार कौन सा नहीं है, मानसिक, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। तो आपने मूर्त, अमूर्त और सामाजिक तो सुना होगा, लेकिन मानसिक बुद्धि नाम की कोई चीज़ अभी तक आपने नहीं सुनी होगी। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, पहला विकल्प नहीं होगा। तो प्रश्नों में ये चीज़ छांटने की कला आपको होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, जैसे निम्नलिखित में से सामाजिक अधिगम के संबंध में सही है, सामाजिक अधिगम के संबंध में क्या सही है, अधिगम सार्वभौमिक है और जीवन भर चलता है, अधिगम विकास और परिवर्तन दोनों है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय होता है, या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 161 में जो सही जवाब होगा वो होगा चौथा विकल्प, ये सभी, जी हाँ, डी ऑप्शन, ये सभी। अधिगम ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि तीनों ऑप्शन में दी गई बात पॉजिटिव है। चोमोस्की का विकास सिद्धांत आधारित है किस पर, संज्ञान पर, भाषा पर, नैतिकता पर या समाज पर। नोम चोमोस्की, तो इन्होंने भाषा पर विकास सिद्धांत दिया था, ठीक है, भाषा, लैंग्वेज पर। सृजनात्मक बालक वो है जो अवस्था को कतई नहीं स्वीकारता है, भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता है, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है, या श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 163 में सही जवाब होगा 163 का सी ऑप्शन, हमेशा जोखिम उठाने को जो तैयार रहे वो सृजनात्मक छात्र की निशानी है। आपको यहाँ पर लगा होगा कि श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखता, लेकिन नहीं, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिक भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है, किस मनोवैज्ञानिक ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आनुवंशिकता की भूमिका को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, किसने, वाटसन, फ्रांसिस गार्टन, बिने या वुंट। सही जवाब होगा 164, गाल्टन ने, गाल्टन महोदय सही जवाब होगा। सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के, जिस प्रक्रिया में समस्या समाधान अचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वो क्या कहलाता है। देखिए आपके सामने है क्वेश्चन, ऊष्मायन चरण, अलगाववादी चरण, पूर्वोत्तर चरण या चरण चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 165, पहला ही ऑप्शन देखिए, ऊष्मायन चरण, क्या कह रहा है, सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के, जिस प्रक्रिया में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़े, प्रॉब्लम सॉल्विंग अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है, वो ऊष्मायन चरण कहलाता है। मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं, क्यों, जब आप मॉडल चित्र से निर्देशित करते हैं, गाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि शिक्षण काम सरल होता है, ज्ञान विस्तार होता है, कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, या लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तीनों दिखाई पड़ते हैं, कौन सा सुटेबल सटीक आंसर है। कंफ्यूज हो गए ना, आपको लगेगा कि ये कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, लेकिन नहीं, उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं, इसलिए मॉडल चित्र से जो निर्देशन है वो बेस्ट होता है। पेडागॉजी का अर्थ क्या है, विद्यालय में निर्धारित समय सारणी तो नहीं होगा, पढ़ाने की कला 167, समझ जाइए, अब विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला है पेडागॉजी, एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में डालने के नियमों को क्या कहते हैं, एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में डालने के नियमों को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक अर्थविज्ञान, उपस्विप्न या वाक्य विन्यास या स्वनिम। क्वेश्चन नंबर 168 सही जवाब होगा वाक्य विन्यास, याद रखना
वाक्य विन्यास सही जवाब होगा जब आप भाषा में शब्द को वाक्य में डालने के रूल्स पढ़ाते हो तो वो वाक्य विन्यास कहलाता है। चॉम्स्की का विकास सिद्धांत भाषा पर आधारित है। बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच का जो दृढ़ीकरण है किसके द्वारा सीखने को प्रभावित करता है? संबंधों के द्वारा, रिलेशनशिप्स के द्वारा। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 171 अभिवृत्ति नहीं बल्कि समस्या समाधान। जब आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयां हैं और उन कठिनाइयों पर जब आप विजय प्राप्त करते हो जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा डालती हैं तो उसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। 172 तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 172 सही जवाब होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आप तर्क का मूल्यांकन भी कर सकते हो, नो डाउट। मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरमोत्कर्ष पर होती हैं? मानसिक क्रियाएं चरमोत्कर्ष पर किस अवस्था में होती हैं? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन लेवल के हैं। 173 सही जवाब होगा प्रौढ़ावस्था में, डी ऑप्शन। बाल्यावस्था में बालक में विकास होता है किसका? नकारात्मक दृष्टिकोण का, पारिवारिक दृष्टिकोण का, सकारात्मक दृष्टिकोण का या तर्कात्मक दृष्टिकोण का? 174 सही जवाब होगा सकारात्मक दृष्टिकोण का। बाल्यावस्था में बालक में एक पॉजिटिव एटीट्यूड का विकास होता है। विकलांग बालकों से हम समझते हैं कि जिनकी बुद्धि सामान्य से कम हो, जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक हो, जो पढ़ने में ध्यान अधिक लगाते हैं या जो शारीरिक दोष रखते हैं, विकलांग बालक, तो जो शारीरिक दोष रखते हैं उन्हें हम विकलांग बालक की श्रेणी में रखते हैं। एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि कौन सी होगी? अगर आप स्कूल से भागने वाले बालक का अध्ययन कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि कौन सी होगी? सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक, केस स्टडी। तो यहाँ पर केस स्टडी, ये एक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, याद रखना। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र कौन सा नहीं है? खेलों का प्रशिक्षण, शैक्षिक मूल्यांकन, सीखने की प्रक्रिया या व्यक्तित्व का व्यवस्थापन। 177 का सही जवाब होगा बी, शैक्षिक मूल्यांकन। शिशु के संवेग होते हैं, स्थिर और स्पष्ट, अस्थिर और स्पष्ट, अस्थिर और अस्पष्ट या स्थिर और अस्पष्ट। तो जो बच्चा यानी शिशु, बच्चा पैदा होता है शैशवावस्था में रहता है, उस समय उसके संवेग स्थिर होते हैं और स्पष्ट होते हैं। किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? मौलिकता का गुण सृजनशील बालकों में पाया जाता है, याद रखना। और आखिरी क्वेश्चन होगा, देखिए आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी 3×3 को 3+3 समझता है, वो किस प्रकार से पीड़ित है? 3×3 को 3+3 समझता है, ये डिसकैलकुलिया है, गणितीय जोड़ संबंधी, घटाना संबंधी या गणितीय संक्रियाओं संबंधी विकार। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो और कैसे लगे आपको ये 20 क्वेश्चन इन 10 मिनट्स, ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और एग्जाम मास्टर चैनल सब्सक्राइब करिए फॉर ऑल हैंड रिटन नोट्स, टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल विकास मॉक टेस्ट, सीटेट 2017 के लिए, 2019 की तैयारी के लिए, सॉरी। तो अब सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।